अस्सलाम वालेकुम। आज हम नान बनाएंगे और मटन कोरमा बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कप आटा लिया है और 2 कप मैदा लिया है। ये ईस्ट है आधी चमची, छोटी चमची से आधी चमची ईस्ट हमने इसको पानी में 10 मिनट पहले इसको भिगो दिया था। पिसी हुई 2 चमची चीनी लेंगे। इसमें दही डालेंगे। दोनों चीज इसलिए डाल रहे हैं कि जल्दी अगर बनाना है तो इसको थोड़ा मुझे जल्दी से इस बनाना है, इसलिए इसमें दही भी डाल रहे हैं। इसमें आधी चमची नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाएंगे हल्के हाथों से। और गेहूं का आटा ज़रूर मिक्स करेंगे, उससे क्या होता है नान बहुत सॉफ्ट बनती है। और सिर्फ मैदा रखेंगे तो सॉफ्ट बिल्कुल वाइट वाइट बनेगी पर इतनी सॉफ्ट नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो मेरा रेडी हो गया, ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। जब तक ये पूरा भर ना जाए, ये पूरा उठ जाएगा, तब तक आप इसको, हम अभी 1 घंटे के लिए ही रखेंगे। उसके बाद अगर आपका नान नहीं उठता है तो आप उसको 1 घंटा और छोड़ दें। हमने इसमें 1/2 kg मटन लिया है और इसके बाद हम जो है इसमें दही डालेंगे। दही ऐसी होनी चाहिए जिसका बिल्कुल पानी निकला हुआ हो, सूखी दही, बिल्कुल सूखी दही, पानी पूरा दही का निकाल लेंगे। वैसी मैंने दही ली है। इसके बाद इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से मैरिनेट करके इसको 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद थोड़ी सी गरम मसाला लेंगे, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, कबाब चीनी और लौंग, इसको डालेंगे। और साथ ही में प्याज डालेंगे। प्याज जो है वो ज़्यादा लाल नहीं करेंगे क्योंकि वाइट कोरमा है, तो प्याज की बस रंगत जो है वो बिल्कुल वाइट रहनी चाहिए। बस प्याज को हल्का सा भुनाई करेंगे इसकी, बस। हम प्याज और थोड़ी सी काजू और हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए प्याज की बस हमने रंगत नहीं चेंज की है, बस ऐसे कलर इसका बिल्कुल वाइट होना चाहिए। इसमें जो मैंने मैरिनेट किया था मटन, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसमें भुनाई खूब होती है, जितनी भुनाई होगी उतनी इसकी खुशबू होगी। अब इसमें शामिल कर देंगे वाइट पेपर पाउडर, और इसमें धनिया पाउडर है, नमक है, गरम मसाला, जीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च है। इसमें काली मिर्च का पाउडर नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा व्हाइट पेपर पड़ेगा। एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बाद कम से कम इसको 5 मिनट तक खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब तक इसका थोड़ा सा पानी खुश्क ना हो जाए, इसकी भुनाई अच्छे से करते रहेंगे। जब इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो जो मैंने प्याज काजू और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे ग्राइंडर में ग्राइंड किया था उसको शामिल कर देंगे और फिर इसकी भी अच्छे से साथ में भुनाई करेंगे। इसको भी तकरीबन 5 मिनट तक हम इसी तरह से भूनते रहेंगे। इसमें बिल्कुल एकदम 1 ड्रॉप मीठा अदरक डालें, 1 ड्रॉप, ज्यादा नहीं डालें ताकि इसको
और बनने वक्त ही डाल देंगे तो इसकी खुशबू चली जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी खुशबू रहेगी, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही डालें, लेकिन बिल्कुल बन पाओ ज्यादा नहीं। इसलिए डालती हूँ कि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल शादियों वाले कोरमा जैसी हो जाती है, इसलिए इसको मैंने एक बोल डाला। अगर आपको इसका स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। ये देखिए इसकी बनाई हो गई, इसने पहचान नहीं है कि इसकी पूरी घी जो है वो छोड़ दी है, इसकी बनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें पानी देकर बनने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, पहले एक सीटी तेज पे और एक धीमी पे देंगे। ये देखिए एक घंटे के बाद मेरा आटा बिल्कुल फूल के डबल हो गया है। इसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल फूल के डबल हो गया। अब इस ये बिल्कुल नान बनाने के लिए रेडी हो गया। देखिए जबरदस्त सी मेरी नान रेडी हो गई, इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे और ये देखिए मेरा मटन कोरमा तैयार हो गया। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा क्रीम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अदरक की जुलियन से ऐड कर देंगे। ये मेरे मटन कोरमा और नान जो है रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनता है। अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।